अरविंद कुमार मिश्र और भाई निरीक्षक कोतवाली शहर, कल फादर डे है। मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि अपने पिता का सम्मान करें। पिता एक वृक्ष होता है, बच्चे उसकी टहनियाँ होती हैं। जहां पिता का सम्मान होता है, वहीं उसका समाज में सामंजस्य बढ़ता है और बच्चों का भविष्य उज्जवल रहता है। यदि बच्चे अच्छे हो गए तो पिता का सम्मान बढ़ता है, सब लोग प्रतिष्ठा से देखते हैं और उनका भविष्य उज्जवल रहता है। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रिफान कुरैशी, एक साहित्यकार होने के नाते सामाजिक परिवेश में देखने का जो अनुभव होता है, उस अनुभव में हमें सिर्फ पिता ही याद आते हैं। पिता हमारे जड़ है, पिता हमारे किताब है, पिता से ही मेरा ज़मीन है और पिता से ही मेरा आसमान है। पिता के द्वारा जितनी भी किताबें देखेंगे, जो कुछ भी कहा गया है, वो पिता की बदौलत है। पिता हमारे वजूद हैं, पिता हमारे मूलधन हैं, मैं उनका ब्याज हूँ। आज जो भी कर रहा हूँ, आज पिता की बदौलत हूँ। जितने भी महापुरुष गुजरे हैं, वो भी एक पिता थे और उनके भी लड़के एक पिता हुए और उनके भी पोते एक पिता हुए। जिस बच्चों के पिता जिंदा रहते हैं, बच्चे अपने फख्र करते हैं कि अगर दुख मुसीबत पर कोई मेरे सर पे हाथ नहीं रखता तो वो पिता ही होता है, जो हमारी असफलता पर भी गर्व करता है कि बेटा हमारा कोशिश तो कर रहा है। कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमें सहानुभूति जिससे मैं अपेक्षा करता हूँ, वो सिर्फ पिता ही होता है। पिता ही आपका वो सच्चा साथी होता है जो चाहता है कि मेरा बेटा हमसे भी ऊंचा वो आसमान छुए और हमसे इनकी पहचान हो। वो ये चाहता है कि पूरे जहान में एक पिता अपना फर्ज निभाए और भी सार्थक रूप से। देखा जाए, बच्चे अगर अपने पिता की बात को मानते चलें तो उनकी ज़िंदगी की कड़वाहट आने वाली ज़िंदगी में मिठास बोलती है, और जो लोग अपने पिता की बात नहीं मानते उनके आने वाली ज़िंदगी में कड़वाहट होती है। कोई भी पिता हो, ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा कहीं भी असफलता हासिल करे। गर्व तब होता है कि बच्चे के द्वारा पिता का नाम रोशन होता है। लोग कहते हैं ये जो है इनके फादर हैं। देखा जाए तो महात्मा गांधी भी राष्ट्रपिता हुए, उनके कर्म थे इसीलिए वो राष्ट्रपिता हुए। सही माने में आज की ये परिस्थिति पिता पर ये निर्भर होती है। बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े महापुरुष, जितने भी राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, वो पिता के बदौलत हुए हैं। आज पिता न होते तो हम भी यहाँ तक न पहुँचते। आप जैसे लोगों का सहयोग जो प्राप्त हो रहा है, वो हमारे पिता की बदौलत है। पिता जो भी है, जैसा भी है, वो सब कुछ है, पूरा जहान है, पूरा आसमान है। धन्यवाद।